नमस्ते प्रणाम और सबको थैंक यू। आप लोग इतना सारा प्यार और आशीर्वाद भर भर के दे रहे हैं खेसारी को, अपने बेटा इस भाई को। और बहुत दिन से हमारे जितने भी फैन मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, सबका एक निवेदन, रिक्वेस्ट और उत्साहित थे कि भैया एक गाने का वीडियो आप नहीं छोड़ रहे हैं, बौराह पिया। अरे पिया मोर बौरा है रे चुमा, ले बहु ना जाने चुमा, ले बहु ना जाने। और बड़ा प्यारा वो गाना ट्रेंडिंग में भी है कि सारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज। तो एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था कि उसका गाने का वीडियो छोड़ पाऊँ मैं, इसलिए ऑडियो रिलीज कर दिया था। थोड़ा सा समझ ही रहे हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है, थोड़ा सा लीक कहीं से हुआ था शायद, मुझे लगा, तो मैंने उसका ऑडियो ही छोड़ दिया। और लगातार गाने सेंट के सीसी से लेकर मुरब्बा डाल के चला, ये सारे गाने ट्रेंडिंग में हैं। और चार गाने अभी ट्रेंडिंग में हैं आप सबके भाई का, आप अपने भोजपुरी का समझिए कि अपने भोजपुरी का ये गाना जो कि ट्रेंडिंग में है, और लगातार 30 गानों में से चार गाना आपके भाषा का है, तो ये बड़ा सुकून देता है कि इतने भीड़ में हम लोग अपने स्थान को बना पाते हैं। तो प्यार और आशीर्वाद उस गाने को दीजिए। और 2 तारीख को एक सिनेमा भी रिलीज है मेरा, जो कि अवधी भाषा में भी है, तो आप लोगों को शायद पसंद आए। वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर क्षेत्र से कोशिश कर रहा है कि अपने ऑडियंस को बड़ा किया जाए, अपने भाषा को बड़ा किया जाए, बढ़ाया जाए। तो कोशिश है अपनी कि ऐसे ही, और अच्छा लग रहा है। अभी 2-3 महीने बाद बच्चों से मिला तो एक अलग खुशी है कि 3 महीने बाद अपने ऋषभ को देखा, कृति को देखा, अपने संदा को देखा, तो एक है कि चलो यार, सबको खुशी मिलती है अपने फैमिली से मिलके। मुझे भी बहुत खुशी मिली कि मम्मी पापा से मिल के आया, फिर यहाँ आया तो अपने बच्चों से मिला। तो मज़ा आ रहा है कि थोड़ा सा फ्रेश दिख रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि लगातार जग जग के काम ही कर रहा था आदमी। आज 12-14 दिन से लगातार लगा हूँ, और इवेंट की मैंने खेसारी नाइट जो सारेगामा के द्वारा किया गया था जमशेदपुर में, तो एक अलग 2-3 गाने वहाँ शूट करके आया मैं। बड़ा प्यारा गाना हुआ है, आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। तो लगातार अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब हम नहीं सोएंगे, सोए नहीं थे, बस भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश थी एक कि हम सिनेमा को भी वो अहमियत दें, ताकि सिनेमा और SRK से एक मेरा 100 मिलियन सिनेमा हुआ डोली से जाकर रखना, उसके लिए पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा की। ऐसे कम होता है गाने के, तो 100 मिलियन जाना बहुत इजी है, लेकिन सिनेमा को 2.5 घंटे देखकर 100 मिलियन कर देना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं SRK को भी दिल से धन्यवाद, रोशन जी को दिल से धन्यवाद, रजनीश भैया को, हमारे अमरपाली दुबे जी को, शर्मिला दीदी को, और रक्षा गुप्ता जी को, विनोद मिश्रा से लेकर जितने भी करेक्टर उसमें हैं, सब ने अपना 110% दिया था, जिसके वजह से वो सिनेमा बन पाई। और पप्पू भाई हमारे विलेन जो हैं उसमें, तो सबको अयाज खान से लेकर मैंने जितने भी करेक्टर हैं सबने अपना 110% दिया, और सबकी ऊर्जा से, और ख़ास करके ऑडियंस की जिन्होंने उस सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। और फरिश्ता को आप लोगों ने जो स्नेह दिया वो बहुत कम ऐसे मिलते हैं, तो दिल से प्रणाम आप सबको। और जितने भी गाने रिलीज हुए सबको आप लोगों ने प्यार, और ख़ास करके सेंट के सीसी से लेकर ललका टी शर्ट वाला से लेकर, और मैंने जितने भी हैं हमारे, और कल एक गाना रिलीज हो रहा है मेरा 30 तारीख को जून में, तीसरी हम भोजपुरी से, तो मुझे लगता है कि वो कमाल का गाना है। आप सबके स्पेशलिस्ट मैंने जून पे गाना गाया है एक, जो कि लगन स्पेशलिस्ट है, और शायद आप लोगों को बहुत प्यारा लगेगा, और वीडियो भी बहुत प्यारा हमने किया है। तो आप उसको प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, टी सीरीज के जो गाने हो रहे हैं रिलीज 30 तारीख को, और धमाल करेंगे हम लोग। और जो गाना अभी आज जो रिलीज हुआ है वो भी ट्रेंडिंग में है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे, तो अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही दीजिए कि चुमा ले बहू न जाने, पिया मोर बउरा है, तो उसको अपना प्यार और आशीर्वाद और स्नेह दीजिए, जिस तरह सारे गाने और सारी फिल्मों को देते हैं। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आप सबको दिल से प्रणाम, लव यू।